टू थ्री गो। क्या बात है, क्या बात है जी। मुझे पहले ब्लॉग में मिले थे और अभी भी मुझे मिल गए हैं। कैसे हो आप? अभी हम चाय पी रहे हैं सेकंड वाटरफॉल। तो मैं इस वाले में इसलिए आई हूँ, मेरे को रिक्शे वाले ने अपडेट किया कि मैम देयर इज आल्सो वाटरफॉल, आप वहाँ जा सकते हो, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई। यस, ओ सॉरी। सीक्रेट वाटरफॉल। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। वी आर फ्रॉम दिल्ली। ओह माय गॉड। बट मेरा भी नहाने का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गया फटाफट। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं हरदा का लड़का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका भाई। और मैं आपको बता दूं, मैं बनाने जा रहा हूं उत्तराखंड सीरीज़, जो कि मैं पूरी ट्रैवलिंग करने वाला हूं कंटिन्यू, और अच्छे से अच्छी व्यूज़ दिखाने वाला हूं आपको और बहुत अच्छे अच्छे जगह दिखाने वाला हूं। और ये सारी ट्रैवलिंग जो होने वाली है, मेरी स्प्लेंडर बाइक है मेरे पास, उस पर होने वाली है। बहुत दिनों से मैं सोचता था कि यार मेरे पास स्प्लेंडर है, कि मैं और अच्छी बाइक लूँ, बट अब मेरा दिमाग चेंज हो चुका है। अब मैंने सोचा कि अब जो कुछ है यही है, जितनी वीडियोस बनानी है इससे बनानी है और आगे बढ़ना है तो इसी के साथ बढ़ना है। इसको अपडेट करूँगा जगह के हिसाब से, इसको और भी ज़्यादा अपडेट करूँगा। टायर चेंज करेंगे, लाइट चेंज करेंगे, बट अब जहाँ भी जाएगी स्प्लेंडर जाएगी और आपको दिखाता हूँ कि स्प्लेंडर कहाँ कहाँ जाएगी। सारी वीडियोज़ आपको देख रहा हूँ मिलने वाली है इस सीरीज़ में और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइज। और मैं बहुत सोच समझ कर इस सीरीज़ को बना रहा हूँ, जिस सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ देखने को मिलने वाली है। और स्प्लेंडर कहाँ कहाँ जाएगी? जंगल में जाएगी, पानी में जाएगी, पत्थरों में जाएगी। रातों को रुकूंगा मैं, ट्रैकिंग करूँगा और कैंपिंग करूँगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ, जिस बाइक्स के साथ मैं ये सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ये बाइक है स्प्लेंडर बाइक, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा बाइक है। ये मैंने बहुत 4 साल पहले ली थी, इसको मैंने बहुत ध्यान से रखा है, संभाल के रखा है। बट ये है कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, ध्यान रखना ही होता है। और कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो गाड़ी चलने वाली है, इसी के साथ चलने वाली है। अब जो चलना कंटिन्यू होगा, सब कुछ इसी के साथ होगा। एडवेंचर, इसमें मैंने एडवेंचर लिखवाया था। और जहाँ तक है लोकेशन के अकॉर्डिंग या कहीं जाना होगा उसके अकॉर्डिंग इसको मैं अपडेट करता रहूँगा गाइज, और आपको दिखाता रहूँगा मस्त मस्त ब्लॉग, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा आपको। और अभी चल रहे हैं फिलहाल हम एक ट्रैक पर, जहाँ पर थोड़ी ट्रैकिंग होगी, वहाँ पर पानी भी होगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखकर। लोकेशन बहुत अच्छी है, तो गाइस मिलते हैं आपको लोकेशन पर। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है मेरे पीछे, हल्की सी साउंड आ रही होगी आपको ना। मैं बता दूँ वो साउंड किस चीज़ की है, वो साउंड इस वाटरफॉल की। ये वाटरफॉल अभी आपको लग रहा होगा क्या है, ये कुछ नहीं है, बट आपको आगे जाकर दिखने वाला है एक सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि शायद किसी ने ना देखा हो, बहुत कम बंदों को बताओ। और जैसे कि आपको बताओ कि बता दूं मैं, गर्मी आ रही है तो मज़ा भी आएगा नहाने में, तो वाटरफॉल में नहाने का मज़ा ही अलग है, आपको पता ही है। तो गाइज मैं यहाँ पर जा रहा हूँ स्प्लेंडर से, और स्प्लेंडर ही मैंने कहा था कि एडवेंचर करने वाली है। तो गाइज उत्तराखंड सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि है ऋषिकेश के अंदर। और यहाँ पर जो लोकेशन है बहुत ही अल्टीमेट है, यहाँ पर कैंपिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और यहाँ पर 2-व्हीलर आ सकती है, बाकी ट्रैकिंग करके ही आना पड़ेगा। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो ट्रैकिंग से है। उसके बाद हम जब यहाँ पर आ जाएंगे तो हमको एक वाटरफॉल मिलने वाला है, बहुत अच्छा है। तो हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस, इधर है कैंपिंग वगैरह, और ये सामने देखो आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल, जो कि सामने वहाँ पर ऊपर से आ रहा है। ये है सीक्रेट वाटरफॉल, इस लोकेशन को बोलते हैं सीक्रेट वाटरफॉल। और अभी निकलते हैं, पानी के अंदर से ही निकलते हैं, देखते हैं मैं यहाँ से क्रॉस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है सीक्रेट वाटरफॉल का एक छोटा सा नमूना। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, पर यहाँ से क्रॉस करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आगे से चला जाए, आगे चलते हैं, आगे से होगा रास्ता। देखो सामने कितने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, और मुझे जाना है उस जगह पर, देखते हैं कैसे जाया जाएगा। अल्टीमेट खतरनाक गाइस, मैं यहाँ हूँ, मुझे जाना है उस पत्थर के ऊपर। बूम, हो फाइनली आई एम इन ऋषिकेश, और मैं हूँ सीक्रेट वाटरफॉल के पास। ये चेक करो गाइस, आपको देख दिख रहा होगा यहाँ से, और
यहाँ से थोड़ा सा पानी देखो कितना क्लीन पानी है, क्लियर पानी है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है, लोग भी बहुत कम है, वो इस चीज़ को दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और देखकर मज़ा भी आएगा आपको। वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल प्लेस इन ऋषिकेश। मैं रख देता हूँ अपना हेलमेट, हेलमेट रख देता हूँ मैं, इधर लेके चलता हूँ अपने साथ ही। हेलमेट रख दिया मैंने अपना यहाँ पे। तो गाइस ये है सीक्रेट वाटरफॉल, और शायद यहाँ पर बहुत ही कम बंदे आए होंगे, शायद आए भी ना हो, आपको बता दूँ मैं। और ये देखो कितना प्यारा है, यहाँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और अभी चलते हैं इस वाटरफॉल के पास, ये चेक करो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। यस, ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है सीक्रेट वाटरफॉल। आप कहाँ से आए हो? Oh my God, ये सीक्रेट वाटरफॉल है ना? Yeah, सीक्रेट वाटरफॉल is much better enjoying. You can stay here, have a Maggie, and you can have a joint over here. If you're liking the bomb, you can have everything over here. Oh, yes, yes. क्यों? और सबसे बड़ी बात पता क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ना किसी को पता नहीं है इसके बारे में ना। हाँ, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, that's why हम लोग यहाँ आए हैं। Yes. And we are enjoying. आपके चैनल का नाम क्या है? हरिद्वार का लड़का। हरिद्वार का लड़का? आई एम फ्रॉम हरिद्वार। यू आर फ्रॉम हरिद्वार? सो आपके चैनल है तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे हैं 12,500। ऑलराइट, सो यू विल पोस्ट दिस व्लॉग? यस यस, प्रोसीड इट एंड टैग मी आल्सो, इट्स ओके, जरूर। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे? यस यू कैन। ठीक है, मैं अभी आपको फॉलो भी करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है गाइस। तो ये है हिडन वाटरफॉल, और यहाँ पर आपने देखा होगा ये दिल्ली से आए हैं। और इन आपको कैसे पता चला इस वाटरफॉल के बारे में? मैंने लास्ट टाइम गई थी तो मैं नाइग्रा वाटरफॉल में गई थी। यस यस, वाटरफॉल है तो मैं इस वाले में इसलिए आई हूँ, मेरे को रिक्शे वाले ने अपडेट किया कि मैम देयर इज आल्सो वाटरफॉल, आप वहाँ जा सकते हो, तो मैं इसलिए यहाँ आ गई। यस, ओह सॉरी। स्पेशली मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होता, जैसे कि बाहर से आते हैं तो पता नहीं होता ना ऋषिकेश के अंदर क्या है, उत्तराखंड के अंदर क्या है, तो मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर ही ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब ये वाटरफॉल जो है, मतलब ये ऐसा है कि कोई भी अफोर्डेबल है, कुछ अगर आना है, इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर यू नो मिडिल क्लास पीपल, इफ यू आर दैट, सो इट्स वेरी, मतलब बहुत इंजॉयबल है। यहाँ पे आइए, आप बैठिए, एंड यू विल हैव अ मैगी इफ यू वांट, इफ यू आर मैगी लवर, क्योंकि फिर उसके बाद वो लोग आते हैं जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई। यस राइट, हम पहाड़ों में मैगी खाने वाले हैं। यस, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर कैंपिंग भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि वाटरफॉल के किनारे जा रही है। And he's coming here, and we both are enjoying. He's also one of the friends. Okay, hello. Hello. So we are meeting new people, and we just came. अभी वी आर लाइक, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ मैं वाटरफॉल के, मतलब आई डिडंट एंजॉय द वाटरफॉल, आई विल गो व्हेन आई विल गो होम, देन जाऊँगी नहाकर। यस, और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्दियों का टाइम चलता है, विंटर होता है, समर स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा स्टार्ट हो रहा है, एंड एवरीवन एंजॉय स्टार्टिंग में ही। नाइस, वेल यू गाइस, आपने देखा कितना बढ़िया है, और यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ, फिर आता हूँ मैं आपके पास। तो गाइस आपने देखा, मैंने इनसे बात करी और इन्होंने बताया कि ये दिल्ली से हैं, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। तो गाइस ये अभी नहाने भी वाले हैं, और आपको दिखा दूँ, ये देखो हिडन वाटरफॉल है यहाँ पर, और वो देखो ऊपर से आ रहा है, ये ऋषिकेश के अंदर है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको दिखा दूँ मैं, और ये ऊपर से भी आ रहा है, सामने से भी रास्ता बहुत अच्छा है इसका, वेरी नाइस प्लेस। तो गाइस मैं जाता हूँ इस वाटरफॉल के पास, वैसे तो पत्थर गिले हैं बट स्लिप तो नहीं हो रहा है पैर पर, देखते हैं क्या होने वाला है। फाइनली, ओ माय गॉड, फाइनली सर्दी जाने के बाद, गर्मियों के बाद वाटरफॉल का मजा, चेक द साउंड गाइस, चेक द साउंड, अल्टीमेट में गिला हो रहा हूँ और मजा भी आ रहा है। अरे यार जाऊँगा मैं, कपड़े भी नहीं आया, मुझे हंसना पड़ेगा वरना मैं भीग जाऊँगा। ओ माय गॉड, वेरी नाइस यार।
और गाइस एक चीज और बता दूं, देखो पीछे से भी वाटरफॉल आ रहा है, और जो वाटरफॉल आ रहा है यहाँ पर आराम से बैठ के भी नहा सकते हैं। पानी एकदम साफ है और जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पानी भी। और मैं बता दूं क्या बात है, इंडिया लव मैक्सिको, माई गॉड, इंडिया लव मैक्सिको लिखा है किसी ने। एंड ये चेक करो, छोटे छोटे ऊपर से भी बहुत बड़ा, मतलब आगे जाते रहेंगे तो हमको और भी अच्छा देखने को मिलने वाला है नज़ारा। बट दिस इज हिडन वाटरफॉल एंड यहाँ पर बैठे हुए अभी हैं सब, और ये नहाने भी वाले हैं, तो इनसे मिलके भी अच्छा लगा गाइस। तो अभी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा मज़े लेते हैं यहाँ पर, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा देख कर। ओह माय गॉड, मैं गिर गया। यहाँ देखो क्या लिखा है, हमन लव डैनी। ओह माय गॉड, मतलब फॉरनर आ रहे हैं, फॉरनर यहाँ पर आकर अपना लव का नाम लिख रहे हैं, मतलब इंडियन नहीं लिख रहे, लवर्स लिख रहे हैं जो फॉरनर है, ठीक है। तो ये चेक करो, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब कि खतरनाक ही जगह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कैंपिंग, कैंपिंग के अंदर ही यहाँ पर स्विमिंग पूल बने हुए हैं, मैगी पॉइंट है, और वाटरफॉल के पास ये चीज ना करो तो क्या किया गाइस उत्तराखंड में आगे। आपने देखा मैं वहाँ पर गया और मैं भीग गया बारिश में, नहीं वाटरफॉल के पानी में, बट मेरा भी नहाने का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गया फटाफट, और नहाऊंगा भी। यहाँ पर नहाने के ब्लॉग भी बहुत सारे आने वाले हैं, बट अभी मेरा मन नहाने का नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे घर भी आना है। तो गाइस थक गया यार। तो गाइस आपने देख ली होगी यहाँ की लोकेशन और यहाँ का वाटरफॉल, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर शांति बहुत अच्छी है। हम पर्सनली प्राइवेट प्लेस की तरह यहाँ पर रह सकते हैं, और यहाँ पर कैंपिंग बहुत सारी है, यहाँ पर मैगी पॉइंट है, यहाँ पर अल्टीमेट लोकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल हैं, और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, जो कि जो कैंपिंग प्लेस बने हैं उन्होंने यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर भी आ सकते हो। और गाइस आपको चीज़ दिखा दूँ, ये चेक करो गाइस, ये ऐसा लग रहा है, यहाँ से ये एक पॉइंट बनाया हुआ रुकने वाला इसको, फिर यहाँ से जब जाए। ओह माय गॉड गाइस, मछली भी है, मैंने ये नोटिस नहीं किया था, आप एक चीज़ खाता हूँ, ये देखो मछलियाँ, देखो गाइस कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं किया, मतलब कि मैं वहाँ पर था फिर मैं यहाँ पर आया, देखा तो यहाँ पर मछलियाँ भी हैं। वाह भाई वाह, क्या देखने आया था, क्या दिख रहा है, यही तो मज़ा है ट्रैवल करने का। कुछ लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, वो सोचते ही क्या करता है इधर उधर जाके। गाइस जब आप घर से निकलोगे, ट्रैवल करोगे, लोकेशन देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो आपको मज़ा आएगा। जो एक्सपीरियंस हमें ट्रैवल देगा, वो एक्सपीरियंस हमें घर बैठे नहीं मिलने वाला है गाइस। तो घर से निकलो, ट्रैवल करो, एंजॉय करो, और मिलना मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन के साथ। टाटा बाय, सी यू।